गाइस, आज मैं अवेंजर्स से पूछने आया हूँ, वो मुझसे इतने खफा खफा क्यों रहते हैं? जब से यहाँ पर टीवी मैन और स्पीकर मैन उनके साथ आए हैं, वो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं यहाँ पर इनका प्यारा कैमरा मैन हूँ। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे बताओ ना, मुझसे कोई गलती हुई क्या? अरे बाप रे कैमरा मैन, तू इधर क्या कर रहा है? बेटा निकल यहाँ से, हम तुझसे बात नहीं करेंगे। प्लीज गाइज, मुझसे गुस्सा मत हो। हा, हल्क यहाँ पर कैमरा मैन का दोस्त नहीं है, हल्क सिर्फ और सिर्फ टीवी मैन का और स्पीकर मैन का दोस्त है। प्लीज ऐसे मत करो गाइज, मैं यहाँ पर तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, टीवी मैन और साथ साथ में स्पीकर मैन से पहले मैं दोस्त था। भाई स्पीकर मैन बोलना अवेंजर्स को कि वो मुझसे दोस्ती ना तोड़े। अबे ओए, चल निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। ओ भाई, मैं तो यहाँ पे कमाल की चीज कर रहा हूँ। प्लीज स्पाइडर मैन, तू तो मेरी बात सुन ले। ओए यार कैमरा मैन भाई, मेरे पास मत आइयो, मेरे को बात नहीं करनी। अबे चल निकल यहाँ से। देखा गाइज, आप सभी ने पता नहीं ये मुझसे नफरत क्यों करते हैं। थॉर क्या बना रहा है भाई? ओडिन किसम, जो भी बना रहा हूँ तेरे लिए तो नहीं बना रहा हूँ। फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन यहाँ पर है। अरे यार ये मनुष्य कैमरा मैन फिर आ गया। अरे फ्रैंकी भैया, इतना गुस्सा क्यों रहते हैं आप इससे? अरे क्या कहूँ इससे यार, लिटरली मैं जब देखो ये टीवी मैन से और स्पीकर मैन से चलता रहता है। पहले वाला ही अच्छा था, जब से ये टाइटन मेगा कैमरामैन बना है भाई, बहुत बेकार हो गया है। ऐसा नहीं है फ्रैंकलिन, यहाँ पर तुम लोग ही शायद मुझे भूल चुके हो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। क्या बोला तूने, हम तुझे भूल चुके हैं? चुप रहे, तुझे यहाँ पर पूरी दुनिया पसंद करती है और यहाँ पर हम लोगों को दुनिया यहाँ पर कुछ नहीं मानती, समझा? ऐसा नहीं है, मैंने दुनिया को काफी बार बचाया है इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं। इसका मतलब हमने नहीं बचाया? तो कितना बड़ा लालची है यार, तूने हमेशा खुद के लिए क्रेडिट लिया हाँ, जबकि हमने तेरा साथ दिया था। चल अब जल्दी जा और जाकर स्टॉक मेंशन की सफाई कर, हमसे दोस्ती करनी है तो। ठीक है मैं सफाई कर लूंगा, प्लीज मुझे जो कहोगे मैं वो कर लूंगा, मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। जा जाके बेसमेंट की सफाई कर। हाँ बढ़ाया कहीं का। गाइस यहाँ पर मैं अवेंजर्स को खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा, इनकी दोस्ती के बिना मैं नहीं जी सकता। पता नहीं क्या हो गया है, जब से टीवी मैन और स्पीकर मैन आए, ये लोगों ने मुझसे बात करनी बंद कर दिया। खैर मैं फ्रैंकलिन को इंप्रेस करके रहूंगा, उसने बोला था मुझे बेसमेंट में सफाई करनी है। गाइस मैं सफाई करूंगा, अगर आप चाहते हो अवेंजर्स मुझसे वापस से दोस्ती कर लें तो प्लीज मेरे लिए वीडियो लाइक कर दीजिए। अरे गाइस ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो एक ताबूत है, ये तो कॉफिन है। ओह माय गॉड, कुछ खतरनाक मार दिया है, कोई बचाओ, ये मुझे कौन मार रहा है? नहीं अवेंजर्स हेल्प मी, फ्रैंकलिन मुझे बचा। गाइस ये मुझे कौन मार रहा है? प्लीज गाइस जल्दी से वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। फ्रैंकलिन हेल्प मी, ये कौन मार रहा है मुझे? अभी भी मैं बच सकता हूँ, बस कैसे करके फ्रैंकलिन के पास पहुंच जाओ। प्लीज कोई मेरी मदद कर दो, किसी ने पीछे से मुझे मारा। ओडिन कसम, काफी मजा आ रहा है। फ्रैंकी भैया बहुत मजा आ रहा है। अवेंजर्स प्लीज मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये किसने मार दिया मुझे? आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे जाना पड़ेगा। अरे बाप रे गाइस, मैंने शायद कैमरा मैन को आज ज्यादा ही सुना दिया यार। असल में क्या कहूँ, जब से वो टीवी मैन और स्पीकर मैन आए ना, वो लोग मेरे कान भरते रहते हैं कैमरा मैन के आगे कि कैमरा मैन एटीट्यूड वाला है, ये है वो है, वो मुझे कुछ नहीं मानता, इसलिए मैं गुस्से में आ गया था। खैर जाके मैं उससे माफी मांग लेता हूँ यार, वैसे भी बेचारा सफाई कर रहा है, मैं उसका हाथ बटा दूंगा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, मैं जिंदा बच गया क्या? एक मिनट, मुझे तो किसी ने मार दिया था, पता नहीं किसने मारा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे इतना सब कुछ घूमा घूमा क्यों लग रहा है? एक मिनट, मैं तो कब्रिस्तान में हूँ, यहाँ पर तो लोग मरने के बाद आते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और अगर मैं मर चुका हूँ तो मेरी डेड बॉडी कहाँ है? ये मेरी सोल है क्या? नहीं दोस्तों, शायद मैं जिंदा हूँ, वरना मेरी डेड बॉडी जरूर होती। मैं अपनी पावर टेस्ट करता हूँ, नहीं मैं टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा हूँ। गाइस शायद मैं कमजोर हो गया हूँ बिटने के बाद। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर खुद को सुपर स्ट्रांग फिल्टर से ताकतवर बनाता हूँ। नहीं मैं सुपर स्ट्रांग भी नहीं बन पा रहा, ये क्या हो गया मुझे? गाइस मैं ठीक तो हूँ ना, मुझे जल्दी से लोगों से पूछना होगा, हेलो कोई मेरी मदद करेगा। अरे भाई बहुत मजा आ रहा है, कितना बढ़िया गेम है ये, ग्रैंड रन है। हेलो प्लीज सर मेरी बात सुनिए, प्लीज हेलो, मुझे यहाँ पर अवेंजर्स के पास जाना है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओ भाई बहुत मजा आ रहा है। गाइस ये इंसान तो शायद ना मुझे सुन सकता है और ना ही देख सकता है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जल्दी यस लिखिए, मैं तो बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं तो अवेंजर्स का दोस्त बनना चाहता था, मुझे किसने मारा? अवेंजर्स के साथ मैं कितनी मस्ती करता था जब टीवी मैन और स्पीकर मैन नहीं थे। अरे भाई बस बस, कितना हंसा आएगा। अरे बाप रे, हमारा कैमरा मैन सबसे फनी है। नहीं मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं जा सकता उनको छोड़ के, मुझे अवेंजर्स को बताना होगा मुझे किसी ने मारा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो उस स्पीकर मैन या टीवी मैन पे शक है, वो ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, वो ही नहीं चाहते थे कि अवेंजर्स मुझसे कभी दोस्ती करें। अवेंजर्स मेरी बात सुनो, डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे कोई मुझे सुन रहा है? आज तो बहुत मजा आ रहा है। गाइस ये मेरी आवाज क्यों
नहीं सुन रहे यार, कोई तो प्लीज वीडियो लाइक करो जिससे कि एवेंजर्स मेरी बात सुने। प्लीज यार टोनी स्टार्क मेरी बात सुन। ये किसकी आवाज आ रही है? अरे बाप रे, ये कौन है मेरे आसपास? अरे भाई साहब, हेलो, कौन है भाई तू? अरे यार कोई देख पा रहा है इसको? हेलो, अरे यार मैं देख पा रहा हूँ क्या इसको? ओए हेलो, कौन है? अरे मैं तुम्हारा कैमरा मैन हूँ। ओ हेलो स्पीकर मैन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तूने मुझे मारा? ओ भाई बहुत मजा आ रहा है। ओए तूने मुझे मारा क्या? अबे कौन है तू? अबे बाप रे, ये क्या चीज है? अबे मुझे तो डर लग रहा है। अबे ये कोई भूत है? नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं कैमरा मैन हूँ, मैं मर चुका हूँ। अबे झूठ बोल रहा है, हमारा कैमरा मैन बिल्कुल ठीक है। जी क्या कह रहा है? सिंजन मिजन चौप फ्रैंकलिन कहाँ पर है? अरे बाप रे, ये किसकी आवाज आ रही है? हे लग तो आवाज हमें यहाँ पर कैमरा मैन की रही, लेकिन ये कौन है हमें समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, कैमरा मैन तो फ्रैंकी भैया के साथ है अंदर, ये जरूर कोई बहरूपिया है। ए निकल यहाँ से वरना हम तुझे मारेंगे। नहीं मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं असली कैमरा मैन हूँ और मुझे किसी ने मार दिया। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा, ये ले। हाँ हमारे फ्रैंकी भैया की और कैमरा मैन की बहुत दिन बाद जाके दोस्ती हुई है, तू उसको बिगाड़ना चाहता है क्या? फ्रैंकलिन ने मुझसे दोस्ती कर ली वापस से मेरे मरने के बाद कैसे? अरे वाह यार कैमरा मैन, तू तो बहुत फनी है यार, पहले जैसा हो गया। अरे बिल्कुल, और नहीं तो क्या भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? एक मिनट फ्रैंकलिन, यहाँ पर असली कैमरा मैन तो मैं हूँ, तू किसके साथ मजे कर रहा है? एक मिनट, ये दो दो कैमरा मैन कैसे हैं? अबे फ्रैंकलिन, ये तो कोई मुझे लग रहा है हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए बहरूपिया कैमरा मैन आ गया है। ये कौन है तू? कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं असली कैमरा मैन हूँ और यहाँ पर मुझे मेरी डेड बॉडी नहीं मिल रही है, मैं मर चुका हूँ। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है गाइस? अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर, मैं हमारी दोस्ती को फिर से नहीं बिगड़ने दूंगा। एक मिनट भाई कैमरा मैन रुक जा। ओ हेलो, यहाँ पर भाई दोनों सेम से दिखते हैं लेकिन ये थोड़ा अजीब है, और ना ही मैं इस वाले कैमरा मैन को टच कर पा रहा हूँ। चिंता मत कर, लेकिन मैं इसको टच कर सकता हूँ, मेरे पास है एक खतरनाक सोल फिल्टर और मैंने इसको यहाँ पर खतरनाक पॉइजन लगा दिया। अरे नहीं भाई ऐसा मत कर। अरे क्यों नहीं करूं? अरे यार तूने ऐसा कैसे कर दिया? मेरा कैमरा मैन कभी ऐसा नहीं करता। भाई साहब मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है गाइस, यहाँ पर असली कौन है और नकली कौन है मुझे जल्द पता लगाना होगा। भाई काम कर सोल वाले कैमरा मैन, और तू भी कैमरा मैन, तुम दो मेरे साथ आओ, आ जाओ अवेंजर्स से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अवेंजर्स मेरी पास रहो। ओ भाई टीवी मैन तो इतना डर क्यों रहा है? ओ माय गॉड गाइस ये क्या हो रहा है? अबे फ्रैंकलिन मैंने अभी यहाँ पर हूबहू कैमरा मैन जैसा भूत देखा। अरे यार यहाँ पर ये कैमरा मैन का भूत बोल रहा है कि इसको मार दिया है, और जो हमारे पास कैमरा मैन है वो असली नहीं है। अरे क्या मतलब, मैं असली हूँ? बिल्कुल, हल्क के पास जो कैमरा मैन खड़ा है वो असली है। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यहाँ पर हमारे वाले कैमरा मैन के साथ हूँ। नहीं गाइस असली कैमरा मैन में हूँ। अरे यार इससे दूर हटाओ मुझे, मुझे डर लग रहा है भाई, मैं टीवी मैन होते हुए से डर रहा हूँ भाई, ये बहुत खतरनाक आत्मा है। हे फेंकी भैया क्या हो रहा है ही मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। टोनी तुझे क्या लगता है? अरे फ्रैंकलिन तू टोनी से क्या पूछ रहा है? तू यहाँ पर इस नकली कैमरा मैन का साथ दे रहा है, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, चल निकल जाए यहाँ से, अवेंजर्स भी तेरे दोस्त नहीं है। अरे जला दिया ये क्या? अरे नहीं फ्रैंकलिन, ये क्या कर दिया इस नकली कैमरा मैन ने तेरे साथ? अरे बाप रे गाइस ये क्या हो रहा है? ये जो गाइस असली वाला कैमरा मैन खुद को बोल रहा है वो यहाँ पर मेरे को मार क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़ है टोनी, यहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये जो आत्मा वाला कैमरा मैन है इसको किसने मारा है। मैं जो यकीन नहीं है तेरी बातों पे। अरे गाइस मैं कैसे पता करूं यहाँ पर कि ये जो मेरे बराबर में कैमरा मैन खड़ा है वो असली है? फ्रैंकलिन उसके लिए मेरे पास एक प्रूफ है। किस तरह का प्रूफ? हमें यहाँ पर पता करना होगा ये जो स्टार्क मैंसन में कैमरा मैन है वो यहाँ पर किस तरह से बना। अरे गाइस पता नहीं मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है। खैर मैं यहाँ पर इस वाले कैमरा मैन पे यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा वाला कैमरा मैन है वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। फ्रैंकलिन यहाँ पर सब सो रहे हैं, लेकिन तूने एक चीज नोटिस की क्या? कैमरा मैन तो है यहाँ पर। नहीं नहीं कैमरा मैन तो है, लेकिन यहाँ पर स्पीकर मैन नहीं है। वॉट स्पीकर मैन क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है स्पीकर मैन ने मुझे मारा है, उसने ही मेरी डेड बॉडी छुपाई है। लेकिन वो कहाँ होगा? हमें काम करना चाहिए, हमें गुफा में चलना चाहिए। गुफा? अरे वही जिसमें मैंने तुझे सफाई करने के लिए भेजा था। हाँ वहीं चलते हैं। भाई साहब गाइस ऐसा क्या है? चलो गाइस देखते हैं। देख फ्रैंकलिन देख, वही गुफा है, वहीं पर मैं सफाई करने गया था। मैंने वहां पर एक ताबूत देखा था, उस ताबूत को देख के मैं डर गया था, और एक साथ से पीछे से आगे किसी ने मुझे गोलियों से भून दिया था। उसके बाद मैं बच गया था, दोबारा किसी और ने आके मुझे मारा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, यहाँ पर झूठ है कि सच? लेकिन वो स्पीकर मैन गुफा के रास्ते को तोड़ना क्यों चाह रहा है, मुझे सबसे पहले ये जानना है। अरे भाई मैंने सब कुछ छुपा दिया, अब कोई नहीं जान पाएगा इस गुफा के अंदर क्या हुआ था। बल्ले बल्ले देखा फ्रैंकलिन, ये कुछ खतरनाक चीज छुपा रहा है। अरे बाप रे, ओ स्पीकर मैन तो ऐसा क्या छुपा रहा है उस केव में जो कोई नहीं जानना चाहता? हां अरे भाई तेरे को क्या मतलब फ्रैंकलिन, यहां वो सीक्रेट है, तुझे नहीं बचा सकता। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, चुपचाप यहां पर स्पीकर मैन जो गुफा है उसको खोल। अबे नहीं खोलूंगा, क्या कर लेगा तू? तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं यहां पर सबको बता दूंगा, चुपचाप बता, ये ले। अरे भाई ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है खोल ले गुफा यार, लेकिन प्लीज किसी को बताइए मत।
क्यों नहीं बताऊंगा? अगर तूने कुछ ज्यादा गलत किया होगा, अगर तूने सच में कैमरामैन को मारा होगा ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? गाइस मुझे तो यार बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, कॉल राउंड। और यार ये कैसी बातें कर रहा है, मैं कैमरामैन को क्यों मारूंगा, कैमरामैन तो हमारे साथ है, वो नकली कैमरामैन की बातों पर यकीन कर रहा है। अरे बाप रे, ये खून कहां से रह गया? एक मिनट गाइस, उसने क्या बोला, कहां पर है खून, मेरे को देखने दे। और अब पता नहीं है किसका खून है। देखा फ्रैंकलिन, ये मेरा ही ब्लड है, मैं यहीं पे मरा था, ये कहा यहाँ पे मैं सच बोल रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पे ब्लड तो है, लेकिन बॉडी कहाँ पर है? अरे भाई मैंने सच में मैंने कोई बॉडी नहीं छुपाई है। फ्रैंकलिन जरूर इस दीवार के पीछे बॉडी होगी, इसने यही छुपाया होगा। हाँ चलो गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से इस दीवार को तोड़ते हैं और देखते हैं इसकी दूसरी तरफ क्या है। एक मिनट, यहाँ तो कोई डेड बॉडी नहीं है, यहाँ तो बस गोल्ड है। अरे मैंने बोला था ना फ्रैंकलिन, यार मैं कैमरामैन को क्यों मारूंगा, भाई मैं तो चाहता हूँ कैमरामैन तेरा सबसे अच्छा दोस्त रहे। ओह नो गाइस, ये क्या भाई स्पीकरमैन, सॉरी यार मैंने कुछ ज्यादा ही शक कर लिया तुझ पे। यार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार ये तो बता, तू यहाँ पर उस नकली कैमरामैन की बात क्यों मान रहा है, वो तो तुझे दिख भी नहीं रहा ठीक से, वो हमारा असली कैमरामैन हमारे साथ है ना। हाँ तूने सही कहा, तू अवेंजर्स को प्लीज बारे मत बताना। फ्रैंकलिन प्लीज मेरी बात पे यकीन कर, मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ पर सच में मेरी बॉडी थी। यार तू अब झूठ कम बोल समझा, मुझे यकीन नहीं है तुझ पे। गाइस इसकी डेड बॉडी तक नहीं है, यहाँ तक कि अपनी पावर भी यूज नहीं कर सकता, मुझे तो भाई डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे बाप रे, ये क्या सामने तो नकली कैमरामैन है। अरे ये क्या, ओए नकली कैमरामैन तू क्या कर रहा है? मैं नकली कैमरामैन नहीं हूँ, नकली तो है। ओ नो गाइस, ओ भाई साहब कैमरामैन, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे माफ कर दे यार, मैंने यहाँ पर गलती कर दी भाई इस आत्मा वाले कैमरामैन पे शक करके। अरे अब रहने दे फ्रैंकलिन, मैं अवेंजर्स को बता दूंगा। अवेंजर्स मेरी बात सुनो, अवेंजर तुम कहां पर हो, क्या हो गया, कैसे घबरा रहा कैमरामैन, वो इसको फ्रैंकलिन को देखो, वो यहां पर उस नकली कैमरामैन के साथ मिलकर कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था? मुझे तो लगता है वो सोना चुराने आया था जो गुफा में छुपा हुआ है। क्या फ्रैंकलिन तेरी इतनी हिम्मत? नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूं। यहां पर ये जो आत्मा वाला कैमरामैन है ना, इसने मुझे बताया कि स्पीकरमैन ने इसकी डेड बॉडी को गुफा में छुपा के ताला लगा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर तो बस हमारा सोना था यार। हां बिल्कुल सही कहा, वो सोना मैंने स्पीकरमैन को कहा था कि किसी को पता ना चलने पाए, और तेरी वजह से सब अवेंजर्स में बात फैल गई। फ्रैंकलिन अब तू बचेगा नहीं, मेरे घर से बाहर निकल, अब तू मेरा दोस्त नहीं है, और इस नेकार सी नकली आत्मा को भी ले जा, निकल जा यहां से। नहीं अरे टोनी मुझे माफ कर दे भाई, मैं बस सच का पता लगाना चाह रहा था। पता चल गया ना अब सच का, चल निकल यहां से, तू मेरा कोई दोस्त नहीं है। बेवकूफ कहीं का, फालतू में हमारे कैमरामैन पे शक कर रहा है। अरे बाप रे टोनी, मेरे को एक मौका दे दे प्लीज टोनी स्टार्क, फ्रैंकलिन को मत मार, उसमें उसकी गलती नहीं है, मैंने उसको बोला था सब करने के लिए। हां तू ही सारे फसाद की जड़ है बेटा, यहां पर एक काम कर, मैं तो उसको नहीं मार सकता भाई, मेरा कैमरामैन तू इसको मार, बिल्कुल चिंता मत कर भाई टोनी, अभी मैं इसको यहां से बाहर भेजता हूं। अरे नहीं दोस्तों, ये क्या, मैं एक आत्मा हूँ फिर भी यहाँ पर वो नकली कैमरामैन मुझे कैसे मार पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात पर यकीन कर। अरे क्या यकीन करूँ मैं, मेरी हालत खराब करवा दी यार लिटरली में उसकी वजह से, मैंने इस नकली पता नहीं कौन है यार, ये नकली ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, इस पर यकीन किया, मैंने सोचा मैं सच लगाने का पता करता हूँ, लेकिन यार उसकी वजह से मैं फंस गया। फ्रैंकलिन प्लीज मुझे एक और मौका दे, हम यहाँ पर इस बार पता लगा के रहेंगे कि वो नकली कैमरामैन कौन है, नकली कैमरामैन तू है वो नहीं है, असली कैमरामैन वो है, अगर ऐसा है तो उसकी आवाज़ क्यों बदली हुई है, अरे उसका गला खराब हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, लेकिन तू तो कहीं से भी असली नहीं लग रहा, ना तो तेरे पास तेरी बॉडी है ना ही ताकतें, और इवन तू तो मेरा कैमरामैन भी नहीं लग रहा मुझे, यहां पर पता नहीं कौन ही लग रहा है तुझे। नहीं फ्रैंकलिन ऐसा मत बोल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं मेरे भाई फ्रैंकलिन, निकल जा यहां से, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मैं तेरी जिंदगी में अब कभी नहीं आऊंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा। काश गाइस मुझे पता चल जाता कि यहां पर मुझे किसने मारा है, यहां पर कोई तो तरीका होगा। गाइस मेरे पास ना एक तरीका है, मैं यहां पर पीछा करूंगा। एक मिनट, ये क्या, ओ माय गॉड, ये तो वही नकली मेगा कैमरामैन हो। अरे यार इससे पहले कि इस कॉफिन के अंदर उस कैमरामैन की बॉडी किसी को दिख जाए, मेरे को जल्दी इसको फेंकना होगा। क्या गाइस आपने सुना, देखा इस कैमरामैन ने मेरी बॉडी उस कॉफिन में रख रखी है, शायद वो कॉफिन इसलिए रख रखा था मुझे मारने के लिए, लेकिन ये है कौन, ना तो ये स्पीकर मैन है और ना ही ये टीवी मैन है, फिर ये कौन हो सकता है जिसने हूबहू मेरे जैसे दिखने वाला सूट पहन रखा है, हम इस बात का पता करके रहेंगे, आप सभी प्लीज मेरे साथ रहना, फिर फ्रैंकलिन मुझे माफ कर देगा। ये क्या, ओए तूने यहाँ पर मेरी डेड बॉडी को इसमें क्यों रखा है? अरे 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 ये क्या, ओए ओए तूने मेरे को कहाँ से देख लिया, तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे नहीं मारा समझा, और मेरे को मारने का कोई शौक भी नहीं है, चल निकल यहाँ से, बस मैं यहाँ पर एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ, अब जिंदगी भर के लिए मैं का कैमरामैन हूँ, तू नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा फ्रैंकलिन सच का पता लगाएगा, कभी नहीं है, अब तेरी बॉडी इस कॉफिन के साथ जिंदगी भर के लिए समुद्र में दफन हो जाएगी, कोई इसके बारे में जान नहीं पाएगा, मजा ही आ गया, चलो चलते हैं जल्दी से यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, एवेंजर्स ने भी मुझसे दोस्ती तोड़ दी है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है असली मैका कैमरामैन कौन है, नकली कौन है। एक मिनट, ये क्या दिख रहा है भाई साहब मुझे, ये समुद्र है, मौसम बहुत खराब है भाई साहब, ओ माय गॉड
ये तो एक कॉफिन है, ये तो एक ताबूत है, इसके बारे में तो वो आत्मा वाले कैमरामैन ने मुझे बताया था गाइस। अरे वाह वाह मजा आ गया, अब यहाँ पर उस बेकार से कैमरामैन का सच समुद्र में दफन हो चुका है हमेशा के लिए। क्या, एक मिनट, ये इसका मतलब सच में असली नहीं नकली मैं का कैमरामैन है और मेरा कैमरामैन मर चुका है। मुझे अभी विजन आया, मुझे अवेंजर्स को बताना पड़ेगा। अवेंजर्स मेरी बात सुनो। ये फ्रैंकलिन फिर से आ गया। फ्रैंकी भैया मैं आपसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और मैं अभी खुश नहीं हूँ इससे यार, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है भाई। यार स्पीकर मैन, टीवी मैन, मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन ये जो कैमरामैन तुम्हारे साथ खड़ा है ये असली नहीं है, ये नकली है। इसने मेरे असली कैमरामैन की बॉडी को समुद्र में कहीं दफना दिया है। अगर ऐसा है तो हमें कैमरामैन की पहले डेड बॉडी लाके दिखा। बिल्कुल सही कहा, नहीं मिलेगी इसको कोई डेड बॉडी। अरे गाइस यहाँ पर मुझे एवेंजर्स को यकीन दिलाने के लिए, अपनी बात पर भरोसा करवाने के लिए समुद्र में जाना होगा। गाइस यहीं कहीं एक मिनट वो, अरे बाप रे, नहीं यार मेरे भाई कैमरामैन मुझे माफ कर दे यार, जीते जी तो मैंने इस पे जुल्म किए और मरने के बाद भी मैंने इसे साथ नहीं दिया। कैमरामैन उठ जा मेरे भाई, आई एम सो सॉरी, मैंने तेरी बात नहीं मानी। एक मिनट फ्रैंकलिन, तू कहाँ से आया? फ्रैंकलिन तुझे यकीन हो गया क्या? बिल्कुल, मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर तेरी डेड बॉडी का पता चला लेकिन मुझे वो ठीक से मिल नहीं रही है, वो एक कॉफिन में है। कल रात जब तू मुझे छोड़ के चला गया था ना, यहाँ पर वो नकली कैमरामैन आया और उसने मेरी डेड बॉडी को कॉफिन में रख के समुद्र में बहा दिया। मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे पीटा। तू चिंता मत कर, यहाँ पर एक बोट है, तू मुझे एग्जैक्टली बता यहाँ पर तेरी डेड बॉडी कहाँ पर हो सकती है। हम अवेंजर्स को दिखाएंगे, अवेंजर्स जरूर सच मान जाएंगे और हम तुझे जिंदा भी कर लेंगे और ये भी पता करेंगे कि यहाँ पर तुझे मारा क्यों था उसने। नहीं, उसने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे बताया, उसको खुद नहीं पता कि मुझे मारा किसने। क्या, एक मिनट, नकली कैमरामैन ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? खैर एक बार डेड बॉडी मिल जाए हम सब पता कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, मैं समुद्र में कूद चुका हूँ, आपको कहीं भी डेड बॉडी दिखे ना मुझे जरूर प्लीज बचाना। यहाँ पर कहीं गई होगी फ्रैंकलिन, वो कॉफिन के अंदर होगी। कॉफिन ढूंढ, कॉफिन। हाँ ठीक है भाई, मैं ढूंढता हूँ। गाइस मैं समुद्र के नीचे, ओ भाई साहब ये रहा वो कॉफिन, गाइस यही था जो मैं, एक मिनट दोस्तों जल्दी से इसको ऊपर लेके चलते हैं। एक मिनट है, इसमें तो कोई भी नहीं है, ये तो खाली है, ये कैसे हो सकता है? ओ गाइस मेरी गैस खत्म हो रही है, मुझे जल्दी चलना होगा। क्या हुआ फ्रैंकलिन, तू कॉफिन क्यों नहीं लेके आया? भाई उसमें कोई भी नहीं है, लगता है तेरी डेड बॉडी को जरूर यहाँ पर। एक मिनट, ये बॉम्ब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फ्रैंकलिन हमें इस बोट से हटना होगा। उस फ्रैंकलिन को लगता है वो मेरा पर्दाफाश कर पाएगा? कभी भी नहीं, मैंने यहाँ पर पहले से ही उस बोट में बॉम्ब लगा दिए थे जिसको लेकर वो बेवकूफ जा रहा है बॉडी ढूंढने, और कॉफिन में बॉडी है ही नहीं, मैंने कॉफिन से बॉडी निकाल के समुद्र में बहा दी थी अलग तरीके से जिससे कि कोई भी उसको ढूंढ ना पाए। अब जल्दी से मैं यहाँ से एक बटन दबाऊंगा रेड वाला और फ्रैंकलिन उधर फट जाएगा, ही मजा आएगा। अरे बाप रे गाइस ये बॉम्ब है, अगर हम अरे नहीं फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तुझे बचा लूंगा। नो, लग गई बहुत जोर से, मुझे भी लग गई, लगता है इसमें कोई जादू था जो आत्मा को भी बुरी तरह से घायल कर सकता है। कैमरामैन मुझे छोड़ के नहीं जा सकता तू। अरे बाप रे ये कैमरामैन इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? ओ भाई कैमरामैन एक मिनट, ये क्या बात कर रहा है, मुझे सुनना पड़ेगा यहाँ पे। अरे काफी ही मजा आ गया, चलो यार बहुत देर हो गई इस बेकार से सूट को पहने। हाँ अब अच्छा सा लग रहा है मुझे। एक मिनट, ये तो मेरे कैमरामैन के सूट में ब्लू सायरन हल्क निकला। ओए सायरन हल्क, तू यहाँ पर कैमरामैन के सूट में क्या कर रहा था? अरे अरे नहीं नहीं, टोनी स्टार्क मेरी बात सुन, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ, तू मुझे समझाएगा? इसका मतलब मेरा फ्रैंकलिन सच बोल रहा था, वो आत्मा वाला कैमरामैन सच है, तूने उसको मार दिया। अरे नहीं मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की कसम खाता हूँ मैंने कैमरामैन को नहीं मारा, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि उसको मार सकूँ। मैंने तो बस उसके जैसा दिखने वाला एक कबाड़ी बाजार से सूट खरीद लिया था और उसको पहन के मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर हमारे कैमरामैन भैया को किसने मारा? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ उसकी बॉडी का कहां पर है, समुद्र में। मैं तुम्हें लोकेशन दे देता हूं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भी तो गया था यार। ओह नो, कहीं फ्रैंकलिन कुछ हो ना गया हो। फ्रैंकलिन मेरे भाई तू कहां पर है? फ्रैंकलिन तू कहां पर है यार? हमें फ्रैंकलिन को ढूंढना होगा। ओह नो, ये तो एक बोट है, ये तो चली पड़ी है पूरी। ओह माय गॉड गाइस, मैंने भी फ्रैंकलिन को देखा, फ्रैंकलिन तो ठीक तो है। ओह नो, मेरा फ्रैंकलिन यहां पर सच्चाई का पता लगाते लगाते ऊपर वाले को कहीं प्यारा ना हो जाए। नहीं फ्रैंकलिन मैं तुझे बचा लूंगा, गाइस मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यार अपने फ्रैंकलिन पर यकीन नहीं किया। फ्रैंकलिन मेरे भाई आई एम सो सॉरी। अरे बाप रे, एक मिनट ये क्या, मैं बच कैसे गया? मुझे लगा था मेरे लिए एंड था। एक मिनट, कैमरामैन ने मुझे बचाया क्या है? टोनी तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मुझे सब पता चल गया, कैमरामैन असल में मर चुका है, लेकिन उसकी डेड बॉडी क्या है? मैं समुद्र में ढूंढने गया था लेकिन वो कॉफिन के अंदर नहीं है, मुझे बताया उस बेकार से सायरन हेड ने। क्या, उसके अंदर कौन है? हाँ उसके अंदर ब्लू सायरन हेड है, उसने बोला कि उसने बॉडी से अलग कर दिया था कॉफिन। इसका मतलब कॉफिन से अलग है बॉडी, बॉडी तो ये रही। गाइस डेड बॉडीज फ्लोट करके कहीं किनारे पे आ जाती है और देखिए मेरे भाई कैमरामैन की डेड बॉडी यहाँ पर फ्लोट करके इधर आ गई। ओह
माय गॉड फ्रैंकलिन, क्या हालत हो गई भाई हमारे कैमरामैन की, हमने कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी इस पे। बिल्कुल सही कहा, हमें इसके साथ इतना कठोरपन नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे माफ कर दे यार फ्रैंकलिन, अब हम इसे जिंदा कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, यहाँ पर इसको जिंदा करने का एक तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कैमरामैन के मरने का कॉज क्या है, वो किस तरह से मरा, और सबसे जरूरी उसको किसने मारा। एक बार तुम ये पता लगा लोगे तो मैं कैमरामैन की आत्मा को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा और यहाँ पर उसकी आत्मा को सब सच बताऊंगा। उसकी आत्मा को एक बार सब कुछ सच पता चला, उसकी आत्मा खुद से खुद उसकी बॉडी में आ जाएगी। ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि कैमरामैन मरे, इसलिए हमारे कैमरामैन की आत्मा इधर उधर भटक रही है। लेकिन समय बहुत कम है बच्चों, जल्दी से पास्ट में जाओ और पता करो कि यहाँ पर कैमरामैन को किसने मारा है। ठीक है डॉक्टर स्ट्रेंज, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज हमें हमारे कैमरामैन को बचाने का पूरा मौका दीजिए। गाइस अब फाइनली पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्लू सायरन हेड या फिर स्पीकर मैन या टीवी मैन कोई भी हो, किसने यहाँ पर हमारे कैमरामैन को हमसे छीन लिया। बिल्कुल सही कहा, आराम से कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बिल्कुल दोस्तों, चलो अब समय आ गया यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता करने का। जल्दी करना बच्चों, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। आप चिंता मत कीजिए, हम सच का पता लगा के आएंगे। ऑलराइट दोस्तों। अरे 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 बाप रे, बड़ी जोर से लग गई। फ्रैंकलिन तू आ गया क्या? हाँ वो रहा मैं। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये तो हमारा स्टॉक मेंशन ही है, लगता है हम टाइम में थोड़ा सा पीछे आ चुके हैं। लेकिन हमारे पास बहुत कम समय, हमें यहाँ पर सही खूनी का पता लगाना होगा। पता नहीं वो कौन है, हो सकता है एवेंजर्स में से कोई हो, कोई भी हो सकता है। एक मिनट, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज है। ये वही समय जब हम यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, हमारे साथ स्पीकर मैन था और टीवी मैन भी था। बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब अभी तक कैमरामैन आया नहीं था। हाँ यहाँ पर मैं गार्डनिंग कर रहा था, मुझे याद है अच्छे से, और साथ साथ में हमारा थॉर यहाँ पर कुछ खाना बना रहा था, और यहाँ पर थोड़े टाइम बाद ही हमारा कैमरामैन आने वाला था। जरा देखते हैं यहाँ पर। एक मिनट दोस्तों, ये टीवी मैन कहाँ जा रहा है? पता नहीं यार। अरे भाई जल्दी चलता हूँ, मेरे को यहाँ पर आज किसी भी हालत में अपना काम करना होगा। ऐसा कौन सा काम है, उस काम के बारे में एवेंजर्स को पता नहीं चलने पाए, वरना सारा प्लान गड़बड़ी हो जाएगा। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये तो वही कॉफिन है। हाँ, इसी कॉफिन में तो हमारे कैमरामैन की डेड बॉडी थी। चलो जल्दी से इस खतरनाक कॉफिन को उस खतरनाक केव में रख के आते हैं, जहाँ पर कोई नहीं जाता, और एक बार चले जाए तो वापस नहीं आता। अब फ्रैंकलिन, ये टीवी मैन यहाँ पर लिटरली में इस केव को उस गुफा में क्यों रखने जा रहा है? मुझे तो लगता है गाइस, टीवी मैन ने हमारे भाई कैमरामैन को मारा है। लेकिन एक कॉफिन रखने से क्या होगा? खैर आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। बिल्कुल सही कहा, हमें पूरा सही सच जानना होगा, वरना यहाँ पर एक मौका है, वो चांस बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। गाइस टीवी मैन ने सिर्फ कॉफिन रखा है। एक मिनट गाइस, देखिए हमारा कैमरामैन आ रहा है। यहाँ पर कैमरामैन बहुत दुखी था, वो हमसे दोस्ती करने आया था। बिल्कुल सही कहा यार, और हमने उसको इग्नोर कर दिया। ये मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। प्लीज दोस्तों मुझसे दोस्ती कर लो। हे भाई स्पीकर मैन, टीवी मैन, तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जो एवेंजर्स मुझसे दोस्ती नहीं करते? गाइस देखिए वही समय जब कैमरामैन को मैंने नीचे भेजा था सफाई के लिए। और चलो जल्दी चलता हूँ, लगता है यहाँ पर कैमरामैन चला गया गुफा में, मेरे को जल्दी अपना काम करना पड़ेगा। अबे फ्रैंकलिन ये क्या, अभी स्पीकर मैन कहाँ पर जा रहा है? समझ नहीं आ रहा है मेरे को, जल्दी से यहाँ पर सोफे पर रखी गल लेनी होगी और यहाँ पर अपने काम को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी जिंदगी सवर जाएगी। ये क्या, ओह माय गॉड, स्पीकर मैन ने गल ली, और यहाँ पर बताया था कैमरामैन ने कि उसको किसी ने बंदूक से गोलियों से मारा था। बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब शायद ये गुफा मर जाएगा। नहीं टोनी, मुझे याद है ये गुफा में नहीं गया था, ये तो ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड पे आया था। हाँ यही हुआ है। एक मिनट, अगर स्पीकर मैन यहाँ पर अपनी गन से ट्रेनिंग कर रहा है तो फिर कैमरामैन को शूट किसने किया? एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पता करते हैं कि गुफा में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे तो यार हम सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर देखिए गाइस, हमारा जो कैमरामैन है अभी तक गुफा में पहुंचा नहीं है। चलो गाइस जल्दी से जाते हैं और यहाँ पर सफाई करते हैं। अरे बाप रे ये क्या, यहाँ पर कॉफिन क्या कर रहा है? मुझे एवेंजर्स को बताना पड़ेगा। एक मिनट, ये तो वही समय जब यहाँ पर उसको कॉफिन दिखा था। हाँ, और ये स्पीकर मैन अब कहाँ जा रहा है? और चलो भाई मेरा काम हो गया, अब जल्दी जाता हूँ और जाकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता हूँ। एक मिनट गाइस, स्पीकर मैन तो शायद केव में जा रहा है। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन, मुझे तो लगता है भाई इस स्पीकर मैन ने मारा है। अरे चलो जल्दी चलता हूँ, मुझे अपना काम करना होगा। एक मिनट, अब ये टीवी मैन कहाँ जा रहा है? मुझे जल्दी से अपने टीवी से वो खतरनाक गन निकालनी होगी। एक मिनट, ये तो गन निकाल रहा है। अरे बाप रे, जल्दी से यहाँ से गोलियां चलाता हूँ और उस बेचारे खतरनाक कैमरामैन का खेल खत्म करता हूँ। ये ले। अरे नहीं, कौन मुझे मार रहा है? प्लीज कहीं बचाओ फ्रैंकलिन, मुझे बचाओ। ओह नो, इसका मतलब टीवी मैन ने यहाँ से रहकर अपनी गन को टेलीपोर्ट किया उस गुफा में और हमारे प्यारे कैमरामैन को हमसे छीन लिया। लेकिन एक मिनट, मुझे कैमरामैन ने बताया था कि किसी पर्सन ने उस पर गोलियां चलाई थी लेकिन वो सर्वाइव कर गया था, फिर किसी और ने उस पर गोलियां चलाई थी। ये क्या कह रहा है तू? और बाप रे, तो स्पीकर में जा रहा है। और चलो जल्दी चलता हूँ, मुझे एक मिनट। और बाप रे ये क्या है? अरे प्लीज मुझे कोई बचाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और बाप रे, ये तो कैमरामैन है यार, इसको मेरा सच पता ना चल जाए जल्दी मार देता हूँ इसको, वरना यार आज रात में सारा सोना चुरा के नहीं भाग पाऊंगा। एक मिनट, स्पीकर मैन ने सोने के लालच में यहाँ पर कैमरामैन की मदद नहीं की और उसको मार दिया। गाइस ये स्पीकर मैन कितना लालची है। गाइस अब फाइनली हमें सच का पता लग चुका है, चल टोनी वापस चलते हैं। अरे बाप रे दोस्तों, तुम लोग वापस आ गए। अरे वाह, हमारे कैमरामैन भैया जिंदा हो गए। वाह कैमरामैन, तू रुक, मैं तुझसे अभी बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बदला लेना है,
और छोड़ दे। अरे मुझे माफ कर दे, अरे प्लीज, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की भलाई लेना चाहता था और मैं तो अपना सोना बचा रहा था। ये ले सोना और ये ले तू भलाई। गाइस, इनके साथ मैंने सही किया या गलत, आप लोग कमेंट में हाँ या फिर ना करके बताइए। बाकी गाइस, आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।